हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आज से हम लोग चैप्टर वाइज चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बोर्ड पर पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह दिखाई देंगे, ठीक है, और इधर हम लोग उसको एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वाइज चैप्टर नंबर फर्स्ट है आज हमारा, जस्ट वन मिनट। आज हमारा चैप्टर फर्स्ट है सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में वृद्धि व विकास। अब देखते हैं वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। ठीक है, आराम से देखेंगे क्लास को, धीरे धीरे करेंगे, प्लीज बिलीव मी। ठीक है, आपको सब कुछ ए टू जेड सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, पहले आराम से क्लास को देख लीजिएगा। देखिए, क्लास में थ्योरी भी करेंगे, उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं, साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। आप क्लास को लास्ट तक देखें, और इस क्लास को देखने के बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, जितना भी हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट जितना आता है कुल मिला के। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा वृद्धि व विकास लिख देते हैं, वृद्धि व विकास, वृद्धि व विकास। कोई बात नहीं, अगर जब दिखाई ना देता हो, ठीक है, जो चैप्टर का नाम है यहां से शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि वृद्धि क्या होती है और विकास का क्या होता है। फिगर में देखिएगा आप, वहां पर एक होती है, देखिए वृद्धि, एक होता है विकास। वृद्धि और विकास, वृद्धि को कहते हैं ग्रोथ, इसको कहते हैं डेवलपमेंट। ग्रोथ और इसको कहते हैं हम डेवलपमेंट। इन दोनों में जो डिफरेंस है उसी से सब हमारी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाती है कि इनमें क्या क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए वहां पर हम वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, कौन हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, वृद्धि जो होती है वो हमारी कैसी होती है, शारीरिक होती है, जिसको हम ग्रोथ भी कहते हैं। वृद्धि कैसी होती है, शारीरिक होती है। तो एक पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, वृद्धि कैसी है, शारीरिक, मतलब जो वृद्धि होती है वो फिजिकल होती है, और जो विकास होता है वो हमारा शारीरिक मानसिक संज्ञानात्मक सब कुछ प्रकार से होता है। तो विकास जो होता है वो हमारा मानसिक भी होता है। ठीक है, विकास में वृद्धि शामिल है। और ये जो आपको जो यहाँ पर जो पीडीएफ दिखाई दे रही है, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बस आप इस पीडीएफ को ही कर लेना, इससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। वृद्धि शारीरिक होती है, विकास, ठीक है, मेच्योरिटी पर डिपेंड करता है, और विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है। जैसे जब जन्म हुआ तब हम इतने ही बड़े थोड़ी ना थे, तब कैसे थे, छोटे थे, धीरे धीरे हमारे अंग बढ़ने लगे, हमारी एज बढ़ने लगी और हमारा विकास हो गया। ठीक है, विकास भी हुआ साथ साथ में वृद्धि हुई। तो यही है वृद्धि और विकास में अंतर। तो पहला पॉइंट है वृद्धि, तो वृद्धि शारीरिक होती है मेनली, और वृद्धि जो होती है वो एक निश्चित समय तक होती है। कब तक होती है, एक निश्चित समय तक होती है, फिक्स्ड टाइम तक होती है। विकास में क्या हो जाएगा, विकास है जो एक अनिरंतर चलने वाली, सॉरी निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। अनिरंतर विकास को किसने कहा है, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा था जो विकास है वो एक अनिरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास कैसी प्रक्रिया, जो डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, तो विकास कैसी प्रक्रिया, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया, मतलब बॉम्ब टू टोम्ब जो विकास है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है, वो बॉम्ब टू टोम्ब। ठीक है, बॉम्ब माने होता है गर्भाशय और टोम्ब माने होता है मकबरा, मतलब जन्म होता है गर्भाशय से लेकर और मरने तक हमारा विकास जो होता है वो चलता रहता है। इसीलिए कहते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है,
तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, जो वृद्धि होती है, देखिए वृद्धि शारीरिक है, जैसे वजन है, लंबाई है, ठीक है, तो ये सब कैसे शारीरिक है, इसको हम माप सकते हैं, कैसे माप सकते हैं, माप सकते हैं, और ये मात्रात्मक होती है। तो अगला पॉइंट क्या हो गया, वृद्धि हमारी जो है वो कैसी होती, मात्रात्मक होती है, बट जो विकास हमारा होता है वो मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, ठीक है, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव होता है कौन, हमारा जो डेवलपमेंट होता है जिसको हम विकास कहते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, जो वृद्धि होती है, देखिए वृद्धि विकास का एक भाग है, तो वृद्धि क्या है, वृद्धि ये विकास का भाग है। देखिए पीडीएफ में ऊपर नीचे इसमें हो जाए ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में हमारी आना चाहिए, वृद्धि क्या है, वृद्धि एक विकास का भाग है, तो वृद्धि जब विकास का भाग है तो वृद्धि छोटी और विकास बड़ा होता है, तो वृद्धि कैसी होती है, छोटी होती है, और विकास कैसा होता है, विकास हमारा जो होता है वो बड़ा होता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है देखते हैं, और कोई पॉइंट हो, हाँ, जो वृद्धि होती है इसकी कोई भी निश्चित दिशा व क्रम नहीं होता है, ठीक है, कोई निश्चित दिशा व क्रम नहीं, बट जो हमारा जो विकास होता है इसकी एक निश्चित दिशा होती है और किसका क्रम होता है, जैसे विकास की दिशा का क्रम है मस्तका अधोमुखी विकास का सिद्धांत, शीर्षामुखी विकास का सिद्धांत, ठीक है, समीपता का विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिपेलो कॉर्डल, प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमो डिस्टल, तो ये जो है विकास की दिशा के सिद्धांत है, तो विकास क्या है, निश्चित दिशा व क्रम, ठीक है, समझिए बस, पीडीएफ में तो आपको लिखा ही है सब, निश्चित दिशा व क्रम होता है। और कोई पॉइंट बचा है, शारीरिक होती है निश्चित, हाँ विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है, जो विकास हमारा होता है जो है वो है बहुआयामी व बहुदिशीय होता है, बहुआयामी व बहुदिशीय, अभी ये बताएंगे क्या होता है, विकास कैसा होता है, बहुआयामी व बहुदिशीय होता है, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है, डायमेंशन इसकी होते हैं, जैसे शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास वगैरह, ठीक है, और इसकी जो दिशाएं अभी मैंने बताई थी, विकास की दो दिशाएं होती हैं, कौन, प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमो डिस्टल और प्रिंसिपल ऑफ सिपेलो कार्डल, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। आई होप इससे ज़्यादा और आपको कोई भी चीज़ ध्यान नहीं रखनी है, तो वृद्धि लगभग लगभग कितने समय तक होती, वृद्धि लगभग लगभग 20 वर्ष तक होती, मतलब जब तक हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, वृद्धि को माप सकते हैं, विकास को हम सीधे माप नहीं सकते हैं, विकास को देखा नहीं जा सकता है जबकि वृद्धि को देखा जा सकता है, भाई लंबाई मेरी पहले 15 वर्ष पहले कितनी थी, अब कितनी है, ठीक है, इसको देखा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, सिंपल सी बात है, कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, जबकि विकास आपकी समझ आज से 5 साल पहले कितनी थी अब कितनी है, इस चीज़ को हम किसी भी पैरामीटर से डायरेक्टली माप नहीं सकते हैं, ठीक है, देख नहीं सकते हैं। इसके बाद और देखते हैं कोई पॉइंट्स हो इम्पोर्टेंट तो, ठीक है, इतना ही है इसमें, चलिए अब इसको इरेज करते हैं। आई होप आपको वृद्धि और विकास में जो है अंतर है, और वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग इसको करने के बाद अभी हम क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा वृद्धि एवं विकास में अंतर, इससे बाहर आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। एक चीज और देख लीजिए, जो ग्रोथ थी हमारी, जो ग्रोथ थी, ठीक है, इधर डेवलपमेंट था, मतलब वृद्धि और विकास, जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है, और जो विकास होता है वो बड़ा होता है, एक सर्किल के माध्यम से आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये है हमारा विकास और ये है हमारी वृद्धि, तो ये है विकास
और ये क्या है? वृद्धि। तो वृद्धि जो है किसके अंदर आती है? वृद्धि विकास के अंदर आती है, ठीक है। इसीलिए जो वृद्धि है वो विकास का एक भाग है। ग्रोथ इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। वृद्धि एक विकास का अभिन्न अंग है, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए स्क्रीन पर वहां पर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास के बारे में चार कथन दिए गए हैं, अब हमको बताना है कौन सा सही नहीं है। देखिए पहला है चिल्ड्रन बाइलिंगुअल क्लास रहेगी, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखे रहेंगे। चिल्ड्रेन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग दर या गति पर विकसित। तो इसमें तीन सही हैं, एक गलत है, वो गलत वाला ही हमको छांटना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कैसा है? नहीं वाला है, निगेटिव क्वेश्चन है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली, जो विकास होता है वो क्रमिक रूप से होता है, हाँ वो धीरे धीरे होता है, अभी हमने कहा था। तीसरा ऑप्शन क्या है? डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, जो विकास होता है वो अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है, जबकि वृद्धि कैसी होती थी? वृद्धि हमारी जो है एट रेंडम होती थी, अव्यवस्थित होती, लेकिन विकास की एक निश्चित दिशा व क्रम होता है। चौथा ऑप्शन क्या है? डेवलपमेंट इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस, विकास हमेशा अनिरंतर होता है। क्या विकास हमेशा अनिरंतर होता है? मतलब डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस, डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस। अच्छा इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, इसको इधर लिख देते हैं, डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस। तो देखिए जो विकास होता है वो हमेशा कैसा होता है? वो हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बॉम्ब टू टॉम्ब चलता है, माँ के गर्भाशय से लेकर हमारी मृत्यु तक चलता रहता है विकास। जब तक हम मरते नहीं हैं तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, तो उसी चीज़ को हम विकास कहते हैं। तो ये तो डिसकंटिन्यूअस कहा है, इन्होंने कहा असतत प्रक्रिया, तो इसलिए ये हमारा गलत है। और इस क्वेश्चन में जो गलत होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें हमको नहीं वाला बताना था। तब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो इसका आंसर जो है चौथा वाला हो जाएगा, डेवलपमेंट इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस, विकास हमेशा अनिरंतर होता है। ये गलत है, इसीलिए हमारा सही है। चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, इसके आगे चलते हैं। अब देखते हैं विकास के आयाम, इससे हमेशा हर बार क्वेश्चन पर पूछा जाता है, विकास के आयाम क्या है? विकास के आयाम, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है? डोमेन्स, आप चाहें तो साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं, लिख भी सकते हैं, नहीं तो अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तब जो PDF है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप इससे भी इसको भी रख सकते हैं, ठीक है। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, विकास के आयाम। तो विकास के कितने आयाम होते हैं? विकास के हमेशा तीन आयाम होते हैं, ठीक है, थ्री डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के तीन आयाम होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं, शारीरिक, देखिए पहली बार बोर्ड पर क्लास में ला रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, तो कोई अगर ऊंचा नीचा लिख जाए या कोई विजिबल ना हो चीज़, ठीक है, इसके लिए सॉरी। शारीरिक, उल्टा लिख दिया जाए, तिरछा तिरछा दिख रहा होगा ना, शारीरिक या जैविक विकास, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसमें, इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजिकल या फिजिकल डेवलपमेंट।
सेकेंड हमारा क्या है, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक या मानसिक विकास। क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक या मानसिक विकास, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट। तीसरा हमारा है विकास का, तीसरा हो गया सामाजिक विकास, सामाजिक, सामाजिक विकास। इसको सामाजिक संवेगात्मक विकास भी कहते हैं, ठीक है, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट भी कहते हैं इसको, मतलब सोशल डेवलपमेंट। यहाँ पर हो जाएगा आपका सोशियल डेवलपमेंट, सोशियल डेवलपमेंट। तो विकास के कौन से, कौन कौन से तीन आयाम होंगे, अभी इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। विकास के कौन से होते हैं, शारीरिक विकास या जैविक विकास, संज्ञानात्मक या मानसिक विकास, सामाजिक विकास मतलब सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो डोमेन्स हो गए। अब ये रिलेटेड किससे किससे होते हैं, शारीरिक विकास सीधी सी बात है हमारे शरीर से रिलेटेड होता है, हमारी जो वृद्धि होती है उससे रिलेटेड है शारीरिक विकास। संज्ञानात्मक या मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो हमारे दिमाग से संबंधित तो होता है, ठीक है, सोचना है, विचार करना है, पढ़ना है, लिखना है, ठीक है, तो ये सभी क्रियाएँ कहाँ होती, मस्तिष्क में होती, इसलिए इसको मानसिक विकास भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं मानसिक विकास। नैतिकता है, तर्कणा है, सोचना है, विचार है, पढ़ना लिखना, वो सब यही आ जाएगा। तीसरा हमारा सामाजिक विकास, हमारे संबंध है, हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं, ठीक है, रिलेटिव हैं, और हमारी जो भावनाएं हैं, जो हमारी इमोशंस हैं, वो सब यही आ जाती हैं, इसलिए इसको सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट भी कहते हैं, सामाजिक संवेगात्मक विकास भी कहते हैं। लिखना चाहे तो आप लिख लें, सामाजिक संवेगात्मक विकास, सामाजिक संवेगात्मक विकास, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो समझ गए विकास के कितने आयाम होते हैं, विकास के तीन आयाम होते हैं जो कि हमने डिस्कस कर लिए। चलिए आगे देखते हैं, कोग्नेटिव वाले को, मानसिक वाले को इंटेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो तीनों जो विकास के जो आयाम अभी हम लोगों ने पढ़े हैं, ये कैसे आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं ये देखते हैं। इसको कहते हैं संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, इसको कहते हैं सामाजिक विकास, और इसको कहते हैं शारीरिक विकास। ठीक है, कोग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट या बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास को कहते हैं सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट या सोशियल डेवलपमेंट। ये तीनों विकास के जो आयाम होते हैं, जो डोमेन्स होते हैं, हमारा जो विकास है इसके तीनों पक्ष आपस में इंटर रिलेटेड हैं। कैसे हैं, अंतर संबंधित है, परस्पर रिलेटेड हैं। देखिए हैं, यहाँ पर काट रहे हैं ये तीनों, तो ये तीनों जो विकास के आयाम होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं। आपको क्या याद रखना है कि ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड। विकास के जो सभी आयाम होते हैं वो आपस में गुथे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं या इंटर रिलेटेड होते हैं। चलिए इसके आगे चलते हैं, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए साथ साथ में ही प्रैक्टिस भी करते चलेंगे जिससे बिल्कुल आपको याद हो जाए, तैयार हो जाए। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? सीटेट प्राइमरी जुलाई 2019 का ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन इसका है, आपको बताना है कौन सा होगा, शारीरिक, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक विकास, व्यक्तित्व विकास, क्या ये विकास के तीन आयाम हैं। दूसरे वाले में क्या है, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व। तीसरे वाले में है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास। चौथा ऑप्शन क्या है, संवेगात्मक, बौद्धिक व आध्यात्मिक विकास। तब हमको विकास के तीनों व्यापक आयामों की पहचान करना है, मतलब थ्री डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से हैं। तो सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। देखिए इसका जो आंसर होगा वो सीधी सी बात है, वो कौन सा होगा, वो तीसरा वाला हमारा होने वाला है। कौन सा, शारीरिक, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक व संवेगात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। तब इसका कौन सा हो जाएगा, इसका जो है ऑप्शन नंबर तीन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं इसके आगे। इससे हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पीडीएफ को तैयार करने में बहुत ज़्यादा समय लगा है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना आप विश्वास कीजिए। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा के देख लेना। अब एक होता है हमारा गत्यात्मक विकास, ठीक है। अब गत्यात्मक विकास क्या होता है, जिसको हम मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, या गतिक विकास, गत्यात्मक विकास, गतिक विकास, तीनों का नाम एक ही है, तो इसको लिखते हैं गतिक विकास, गतिक विकास, या इसको हम कहते हैं गत्यात्मक विकास, ठीक है, मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट, गतिक विकास क्या होता है, गतिक, गतिक माने गति करना, जब हम लोग गति करते हैं, ठीक है, तो उस विकास को ही हम गतिक विकास कहते हैं। मोटर, देखिए चाहे आप साइकिल चलाएं या मोटर बाइक चलाएं, कोई भी चलाएं, मोटर शब्द आता है मोटरसाइकिल, ठीक है। मोटर का मतलब होता है गति करना, जो चीज़ गति करती है उसको हम मोटर कहते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो विकास है वो कौन सा है, मोटर डेवलपमेंट। अच्छा ये चीज़ एक ध्यान रखना, जो गति विकास है वो किस विकास के आयाम के अंतर्गत आएगा, आप लोग बताइएगा, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास कि सामाजिक विकास। तब ये शारीरिक विकास से संबंधित आएगा कि, ठीक है, जिस शरीर से हमारे रिलेटेड है, इसीलिए ये है शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। अब गतिक विकास होता कितने प्रकार का, इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा, जैसा आप देख भी रहे होंगे वहाँ पर। देखिए गतिक विकास हमारा दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है स्थूल गतिक विकास, स्थूल गतिक विकास, और एक हमारा होता है सूक्ष्म गतिक विकास, सूक्ष्म गतिक विकास। स्थूल वाले को कहते हैं ग्रास मोटर डेवलपमेंट, ग्रास मोटर डेवलपमेंट, और इसको कहते हैं हम फाइन मोटर डेवलपमेंट। क्या कहते हैं, फाइन मोटर, फाइन का मतलब पतला, छोटा, ठीक है, फाइन मोटर डेवलपमेंट। अब ये क्या है, स्थूल गतिक कौशल, देखिए वह गतिक कौशल, वह कौशल वो हमारा विकास का पक्ष, ठीक है, इसको विकास या कौशल भी कहते हैं, गतिक विकास या गतिक कौशल, ठीक है, स्किल्स, नहीं आप समझे ये जाने क्या है। देखिए जिसमें हम बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं उस विकास को हम स्थूल गतिक कौशल कहते हैं, जैसे हाथ पैर की, ठीक है, बड़ी बड़ी जो हम मसल्स का प्रयोग करते हैं जिस काम को करने के लिए, तो वो विकास हमारा किस में आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा स्थूल गतिक विकास, ग्रास मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, जिसमें हम बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, स्थूल माने बड़ा ही होता है, ठीक है, स्थूल का मतलब होता है बड़ा, और सूक्ष्म का मतलब छोटा। इसका जस्ट अपोजिट, जिसमें जिस
स्किल के लिए हम छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, उसको हम सूक्ष्म गतिक विकास कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम सूक्ष्म गतिक विकास कहते हैं। जैसे अंगुलियां, ठीक है, जो काम हम अंगुलियों से करते हैं, फिंगर्स के माध्यम से करते हैं, वो किसमें आ जाएगा? वो हमारा सूक्ष्म गतिक विकास के अंतर्गत आ जाएगा। और जो काम हाथ पैर पूरी बॉडी का प्रयोग करके करते हैं, ठीक है, बड़ी मसल का प्रयोग करते हैं, वो है हमारा स्थूल गतिक विकास। अभी इस पर आधारित क्वेश्चन भी करेंगे, इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल इसके कौन से हो जाएंगे? चलना, ठीक है, भागना, तैरना, चलना, भागना, तैरना, एक पैर पर खड़े होना। एक बार सीटेट में क्वेश्चन आया था कि एक व्यक्ति है, वो एक पैर पर बैलेंस बना के खड़ा हुआ, जैसे एक पैर पर बैलेंस बना के खड़ा हुआ है, तब वो स्थूल गतिक कौशल या सूक्ष्म गतिक कौशल, किस गतिक कौशल का वो जो है एग्जाम्पल है? तो वो किसका एग्जाम्पल था? वो था स्थूल गतिक कौशल का, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हो गए हमारे? अब सूक्ष्म गतिक कौशल में देखिए, लिखना क्या हो गया? लिखना किससे हम लिख रहे हैं? फिंगर्स के माध्यम से लिखना, ठीक है। कलर करना मतलब रंग करना, रंग करना, कटिंग करना, ऐसे ऐसे तो कटिंग करते हैं, ठीक है। तो काटना, लिखना, रंग करना, काटना, और इसमें क्या क्या आ सकता है? और इसमें आ सकता हमारा बुनाई आ सकती है, जो कि हम हाथों के माध्यम से करते हैं। क्या आ सकती है? बुनाई, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। गतिक कौशल कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, स्थूल गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल को ग्रास मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, सूक्ष्म गतिक कौशल को हम फाइन मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। स्थूल को कहते हैं चल, स्थूल के उदाहरण क्या है? चलना, भागना, तैरना। सूक्ष्म क्या क्या है? लिखना, रंग करना, काटना और बुनाई, और भी इसके हो सकते हैं। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तभी अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। देखिए क्वेश्चन, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, स्क्रीन पर पढ़िएगा क्वेश्चन को, इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रास मोटर स्किल डेवलपमेंट। स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है, क्वेश्चन लिख देते हैं, स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है, ठीक है। कौन है स्थूल का मतलब? ग्रास मोटर डेवलपमेंट, जिसके लिए बड़ी मसल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन एक, ऑप्शन दो, ऑप्शन तीन, ऑप्शन चार। पहला हमारा है भागना, दूसरा है हमारा काटना, तीसरा लिखना, चौथा हमारा बुनाई करना। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन सा ऐसा काम है जिसमें हम बड़ी मसल का प्रयोग करते हैं? तो सीधी सी बात है, वो हमारा भागना है, भागना है, दौड़ना है, कूदना है, तैरना है, ठीक है। एक बार तैरना आया था, तो ये सभी किस में आ जाएंगे? ये सब स्थूल गतिक कौशल में आ जाएंगे। इसके लिए हमें को पूरे शरीर का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है, पूरे हाथ पैरों को प्रयोग करना पड़ता है, ऐसा नहीं केवल अंगुलियों के माध्यम से हमारा काम चल जाए, इसलिए इसको कहते हैं स्थूल गतिक कौशल। तो इसका कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को कम्प्लीट करते हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट हो गया, कल हम देखते हैं चैप्टर नंबर सेकंड। कल हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ जो भी लोग चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को शेयर कर दें, ठीक है। थैंक यू।